पांचवे पॉइंट की तरफ जो स्टैनिस्लावस्की ने लिखा है वो है गिवन सर्कमस्टेंसेस। नमस्कार, मैं मोहम्मद निजाम आपका स्वागत करता हूं और आप सीखना शुरू कर चुके हैं इस वीडियो के साथ एक्टिंग। तो चलिए आज की क्लास में हम एक्टिंग के उन पांच तत्वों की तरफ बढ़ेंगे जो स्टैनिस्लावस्की ने हमारे लिए गाइड की थी। रशियन नाटककार जिनकी थ्योरी पूरे वर्ल्ड में चलती है एक्टिंग की, तो कॉन्स्टेंटिन स्टैनिस्लावस्की, उनकी थ्योरी पे हम लोग बात करने वाले थे। तो हम लोग आज उसी से आगे बढ़ते हैं। तो कॉन्स्टेंटिन स्टैनिस्लावस्की ने कई सारे ऐसे पॉइंट रखे हैं, लेकिन 10 मुख्य पॉइंट रखे हैं। उन 10 में से मुख्य रूप से 5 अलग अलग तत्वों पर, पॉइंट्स पर हम आते हैं आज। सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो है ऑब्जर्वेशन, कि ऑब्जर्व करना मतलब गौर से चीजों को देखना, महसूस करना और उसको याद कर लेना। मतलब आप एक्टर हैं तो एक्टर के निजी चरित्र में, मतलब उसके नेचर में यह बात आ जानी चाहिए कि वो बेसिकली ऑब्जर्वर ही हो, हमेशा 24 घंटे जब भी कहीं भी हो। ऑब्जर्वर मतलब ऑब्जर्वेशन करना है आपको। आप जब बैंक जाते हैं तो आप बैंक का क्लर्क जब आपको नोट गिन के दे रहा है तो उसको ऑब्जर्व करेंगे आप, क्योंकि आपके नोट गिनने, हमारे नोट गिनने और बैंक के क्लर्क के नोट गिनने में फर्क होता है। अगर आप ऑब्जर्व नहीं करते इन चीजों को तो जब आपको बैंक के कैशियर का कैरेक्टर मिलेगा तो आप नोट उस तरह से गिन नहीं पाएंगे। किसी बस में सफर कर रहे हैं, ऑटो में सफर कर रहे हैं, तो उनके ड्राइवर्स को देखिए कि उन तमाम बातों के अलावा उनकी नजर जो है सड़क पर सीधे होती है। अगर आप ड्राइवर का चरित्र कर रहे हैं, मतलब आप किसी बड़े आदमी से मिलने जाते हैं, इंटरव्यूज करने जाते हैं, इंटरव्यू लेने वाले के हाव भाव क्या होते हैं, इंटरव्यू देने वाले का हाव भाव क्या होता है ना, जो जरूरतमंद नौकरी के लिए है वो इंटरव्यू देने घुसता है तो उसके हाव भाव कैसे होते हैं, या जो जरूरतमंद नहीं है लेकिन ट्राई कर रहा है, ठीक है मिल जाएगा तो अच्छा है, उसके हाव भाव कैसे होते हैं, इन सभी चीजों में फर्क होता है। हंसना, जैसे चुटकुले पे कोई हंस रहा है उसके हाव भाव कैसे होते हैं, है ना, या किसी के मजाक उड़ाने के अंदाज में हंस रहा है तो उसके हाव भाव कैसे होते हैं, ये सब आपको ऑब्जर्वेशन से मिलेगा। इसलिए पहला पॉइंट ऑब्जर्वेशन, आप जहां हैं, जहां जा रहे हैं, जिनसे मिल रहे हैं, एक्टर हैं तो आपका काम हो जाता है, आपके हर दिन के काम में शामिल कर लीजिए इसको कि आप ऑब्जर्वर बनिए। ऑब्जर्वेशन का मेथड है उसको हमेशा अलर्ट मोड में रखिए और चालू रखिए जहां भी कहीं जाए। दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा जो तत्व है अभिनय का, स्टैनिस्लावस्की ने बताया है, वो है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन मतलब कल्पना शक्ति। एक्टर चरित्र गढ़ता है अपनी कल्पना से। आपने ऑब्जर्व कर लिया, ऑब्जर्व करके रखा है, अपने दिमाग के हार्ड डिस्क में सेव करके रखा है, अपने ढेर सारे चरित्र देखे हैं ना, दुनिया में जितने लोगों से मिलते हैं आप, घर में, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, जितने सारे चरित्रों से मिले वो सारे चरित्र आपके स्टॉक में हैं यहाँ पे। लेकिन जब आप सोचना शुरू करते, जब आपको स्क्रिप्ट मिलती है, जब आपको कोई करेक्टर मिलता है, तो उस करेक्टर की पढ़ाई लिखाई क्या है, उस करेक्टर का स्टेटस क्या है, वो गरीब है, अमीर है, लंगड़ा है, लूला है, बलिष्ठ है, बलवान है, कैसा है, तो उस तरह के चरित्र आप याद करने की कोशिश करते हैं, आंख बंद करते हैं, आपकी कल्पना में वो आपके ऑब्जर्व किए हुए चरित्र सारे घूमने लगते हैं और आप किसी एक चरित्र को जाकर रुकते हैं और वही आपका माउस क्लिक करता है, बस यही वो करेक्टर है जिसको अपनी कल्पना शक्ति से मैं गढ़ के ये स्क्रिप्ट वाली चरित्र बना सकता हूं। कल्पना शक्ति आपकी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि अगर आपको ऑब्जर्व किए हुए हार्ड डिस्क में सेव रखे हुए कैरेक्टर्स में से नहीं मिलता है तो जो चीजें लिखी गई हैं उसमें, स्क्रिप्ट में लिखी गई हैं चरित्र के बारे में, उन लिखी हुई बातों को पढ़ के आप जब आंखें बंद करेंगे और कल्पना करेंगे तो कल्पना में आप एक चरित्र गढ़ सकते हैं और उस चरित्र को गढ़ने के बाद आप कल्पना में सब कुछ देख सकते हैं, कैसा कैसे कपड़े पहने उसने, कैसे चल रहा है, कैसे बोल रहा है, और फिर उस कल्पना शक्ति का डिस्कशन आप निर्देशक के साथ करते हैं, डायरेक्टर के साथ करते हैं कि सर मैंने ऐसा सोचा है। तो कल्पना शक्ति, सोच तो तभी पाएंगे जब आपकी कल्पना ग्रंथि ठीक हो, और कल्पना ग्रंथि को ठीक करना आपके हर रोज के काम में शामिल होना चाहिए, हर दिन, हर रोज। चलिए तीसरे पॉइंट की तरफ चले आते हैं। तीसरा तत्व होता है कॉन्सल्टेशन।
एकाग्रता, कंसंट्रेशन एक्टर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आप शूट करने जा रहे हो टीवी सीरियल में, सिनेमा में, आप मंच पे नाटक करने जा रहे हो, आप कहीं भी जा रहे हो, जैसे ही आप मेकअप लेते हो, कॉस्ट्यूम पहनते हो, उसके बाद आपका संपर्क पूरी दुनिया से कट जाना चाहिए। मतलब आपका सारा ध्यान एकाग्र हो जाना चाहिए उस कैरेक्टर पे, को एक्टर के डायलॉग्स पे, पूरे सीन पे, पूरे दृश्य पे आप कॉन्सेंट्रेट, आपका एकाग्रता भंग हुई और आपके हास्य चरित्र छूट गया। चलिए हम लोग चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब उसके बिना तो समझ लीजिए कि जैसे अपाहिज आदमी होता है, हाथ के बिना, पैर के बिना आदमी हो जाता है, आंख के बिना आदमी होता है, बिना आवाज के आदमी होता है, गूंगा आदमी होता है, तो आप समझ लीजिए कि जो चौथा पॉइंट है वॉइस एंड स्पीच, मतलब आवाज और संभाषण। झेलम भी मैं, चनार भी मैं, दैर हूं, हरम भी हूं, शिया भी हूं, सुन्नी भी हूं, मैं हूं पंडित, मैं था, मैं हूं और मैं ही रहूंगा। जब हम डायलॉग बोलते हैं, संवाद बोलते हैं, तो संवाद बोलते वक्त अलग अलग तरीके के जो ढंग है, अलग अलग तरीके के जो काम है, अलग अलग तरीके का उतार चढ़ाव आता है, चरित्र के हिसाब से, चरित्र के हिसाब से उम्र आता है आवाज में, चरित्र के हिसाब से आवाज में दबंगई आती है या फिर दब्बूपन आता है या गरीबीपन आता है या राजापन आता है, या चरित्र के हिसाब से आवाज में बहुत सारे बदलाव आते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है वो आरोह अवरोह है ना, आवाज में चढ़ना और आवाज का उतरना। रोज होती है इस मोहब्बत के केस की सुनवाई। हाय हाय एक्टर की आवाज, एक्टर की आवाज कहते हैं, आम आदमी की आवाज नहीं होती वो एक्टर की ही आवाज होती, जैसे चाहे मॉड्यूलेट कर ले, जैसे चाहे ऊंचाई पे ले जाए, जैसे चाहे निचाई पे खरज में बात कर ले। इसलिए वॉइस एंड स्पीच, स्पीच मतलब आप बोलते हैं तो डिक्शन सही हो, उच्चारण सही हो, स्ट्रेस पॉइंट सही हो, और बोलते वक्त आप लड़खड़ाए ना, वॉइस एंड स्पीच पे जितना अच्छा कंट्रोल होता है वो एक्टर डायलॉग बोलने में उतना माहिर होता है और उसके डायलॉग सुनने में उतने मजेदार आते हैं। मेरे घर में मेरा स्वागत करने का हक उन्हें किसने दिया? ये मेरा भी उतना ही घर है जितना कि आपका, और अगर आप मेरी दाढ़ी और ओसामा बिन लादेन की दाढ़ी में फर्क नहीं कर पा रहे तो भी मुझे हक है मेरी सुन्नत निभाने का। पांचवे पॉइंट की तरफ जो स्टैनिस्लावस्की ने लिखा है वो है गिवन सर्कमस्टांसेस, मतलब दी गई परिस्थितियां। जो स्क्रिप्ट आपको मिलती है उस स्क्रिप्ट में परिस्थितियां कुछ लिखी होती है, कुछ लिखी होती है, कुछ डायरेक्टर आपको डिस्क्राइब करता है, बताता है, और कुछ एक्टर अपनी कल्पना शक्ति से उन परिस्थितियों के आधार पर चरित्र को करता है। मतलब दी गई परिस्थितियों को समझना एक्टर के लिए बहुत जरूरी है। कई बार होता है कि हम दी गई परिस्थितियों को समझने की कोशिश नहीं करते। एक्टर क्या अपना डायलॉग याद किया, सामने वाला कैरेक्टर का भी डायलॉग नहीं पता, सामने कौन सा कैरेक्टर है ये भी नहीं पता, सिचुएशन क्या है ये भी नहीं पता, परिस्थिति क्या है ये भी नहीं पता, समय क्या है, काल क्या है ये भी नहीं पता, सिर्फ डायलॉग बोला। तो ऐसे में डायलॉग की उल्टी ही करेगा एक्टर, एक्सप्रेशन भी नहीं आएंगे। इसलिए दी गई परिस्थितियों को एक्टर अगर बहुत गौर से समझता है, महसूस करता है, तो उस परिस्थिति के अनुसार वो चरित्र को ढाल पाता है और वो सशक्त अभिनेता के रूप में उभर कर आता है। अभिनय के लिए इन पांच तत्वों और पांच पॉइंट्स की बात के साथ आज हम यही विराम लेंगे, इस उम्मीद के साथ कि अगली बार और अगले पांच तत्वों के साथ आपसे मुलाकात होगी, ताकि हम और आप मिलके हम सब एक अच्छे अभिनेताओं की फौज तैयार कर सके। नमस्कार।